हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इलिप्स ड्रॉ करने के मेथड देखेंगे। ओके, आगे की वीडियो में हम सारे इलिप्स ड्रॉ करने के मेथड देख लेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं ड्रॉ इलिप्स बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। ओके, ये हमारी फर्स्ट मेथड है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, ड्रॉ इलिप्स बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। ओके, तो हमको क्या ड्रॉ करना है, अभी इलिप्स ड्रॉ करना है। ओके, तो इलिप्स कैसा होता है, तो इलिप्स का शेप आपको मैं अप्रोक्सीमेट बता देता हूँ यहाँ पे। ओके, ये हमारा इलिप्स है, क्लियर। ये इलिप्स है, अभी इलिप्स का डायमेंशन में क्या आएगा, तो इलिप्स में ये उसकी मेजर एक्सिस होगी। ओके, ये मेजर एक्सिस है और ये जो है ये माइनर एक्सिस होगी। ओके, ये मेजर एक्सिस है और ये जो है ये माइनर एक्सिस होगी। अब इस एग्जांपल में हमको क्या दिया हुआ है, ड्रॉ इलिप्स बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड हैविंग मेजर एक्सिस 120 mm एंड माइनर एक्सिस 80 mm। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हमको क्या दिया हुआ है, मेजर एक्सिस दिया हुआ है हमको, मेजर एक्सिस हमारी कितनी है 120 mm। ओके, एंड माइनर एक्सिस कितना दिया हुआ है 80 mm, क्लियर। मेजर एक्सिस 120 mm, माइनर एक्सिस 80 mm, और कौन से मेथड से ड्रॉ करना है हमको, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। ओके, तो ये मेजर एक्सिस 120 mm, उसको हम नोटेशन दे देते हैं ए बी। ए बी हमारी मेजर एक्सिस हो जाएगी और सी डी हमारी माइनर एक्सिस होगी। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड है, इसका मतलब यहाँ पे हमको मेजर एक्सिस का जो डायमेंशन दिया हुआ है 120 mm, तो 120 mm डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, और उसी सेंटर पे वही सेंटर लेके हमको दूसरा एक सर्कल ड्रॉ करना होगा जिसका डायमीटर हमारा माइनर एक्सिस का डायमेंशन होगा। इसका मतलब जब भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड का एग्जांपल आता है इलिप्स ड्रॉ करने का, तब हमको दो सर्कल ड्रॉ करने होंगे, एक मेजर एक्सिस का जो डायमेंशन दिया होगा उसका डायमीटर का ड्रॉ करना होगा, मतलब 120 mm, और एक माइनर एक्सिस का जो भी दिया होगा उसका डायमीटर का एज ए डायमीटर लेके उसका सर्कल ड्रॉ करना होगा। ओके, दोनों का सेंटर एक ही होगा, इसलिए उसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड कहते हैं। अभी डायमीटर 120 mm है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 60 mm। तो अभी हम 60 mm का डायमेंशन ले लेते हैं। ओके, 60 mm का साइज लेके 60 mm रेडियस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, क्लियर। ओके, 60 mm का रेडियस का मैंने सर्कल ड्रॉ किया, इसका मतलब 120 mm डायमीटर का जो हमारा मेजर एक्सिस था, वो मेजर एक्सिस का एक सर्कल हमारा आ गया। अभी माइनर एक्सिस कितना है, तो 80 mm, 80 mm, इसका मतलब 40 mm का डिस्टेंस ले लेंगे हम, रेडियस 40 mm हो जाएगा, तो 40 mm का डिस्टेंस लेके 40 mm, सेंटर वही रहेगा जो हमने मेजर एक्सिस का सर्कल ड्रॉ किया है, दूसरा एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेंगे माइनर एक्सिस का। ओके, दोनों सर्कल हो गए, अभी क्या करना है, एक वर्टिकल डायमीटर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसमें एग्जैक्ट वर्टिकल आना चाहिए। ओके, और एक हॉरिजॉन्टल, क्लियर। तो ये जो है ये हमारा हो गया मेजर एक्सिस ए बी। ओके, और माइनर एक्सिस इतना ही होगा, ये हमारा है सी डी, ये माइनर एक्सिस। ओके, ये 120 mm और ये 80 mm, क्लियर। अभी आगे की मेथड है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जब भी हमको कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड दिया होगा तो मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस दोनों का डायमेंशन का हमें दो सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा एक ही सेंटर से। उसके बाद ये जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है उसको हमें 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने होंगे, 12 इक्वल पार्ट्स। ओके, हमको इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सर्कल को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कैसे करते हैं, तो कोई भी आप एक ले लो, मेजर एक्सिस का या माइनर एक्सिस, कोई भी डायमेंशन ले लो, मैं
120 mm का जो सर्कल ड्रॉ किया हमने डायमीटर का, उसका रेडियस ले, तो मैं 60 mm का डायमेंशन मैंने यहाँ से उसका रेडियस ले लिया। अभी क्या करेंगे हम, ये जो चारों पॉइंट हमारे पास है मेजर एक्सिस पे, उस पे रख के हम 12 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे। ओके, क्लियर। तो अभी इसको हम नंबरिंग दे देते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सपोज यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से कहीं से भी कर सकते हैं आप। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हो गया 12 पार्ट्स। अभी क्या करेंगे हम, इसको हम ज्वाइंट कर लेते हैं, तो हमारा 12 पार्ट्स जो है वो इनर सर्कल में भी आ जाएगा। ओके, लाइन लाइट रखनी है, डार्क नहीं करनी है, क्योंकि हमारा डार्क क्या आएगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट हमको ड्रॉ करने के लिए बोला है इलिप्स, वही डार्क आएगा, बाकी सब लाइट ही आएगा। ओके, तो अभी यहाँ पे हम 12 पार्ट्स कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, 12 पार्ट्स हो गए। बाहर के सर्कलिंग के नंबरिंग दे दिए हमने, अभी अंदर का जो सर्कल उसका भी नंबर देते थे। यहाँ पे 1 दिया, अभी यहाँ पे डैश वाले पॉइंट देंगे हम। ये है 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, 8 डैश, 9 डैश, 10, 11 एंड 12 डैश। क्लियर, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अभी क्या करना है, अभी एक मेथड बताता हूँ, बस वही सबके पॉइंट, सब पॉइंट के लिए करना है हमको। अभी बाहर का जो सर्कल है, बाहर का सर्कल, उसके जो भी पॉइंट है, उस पॉइंट से हमको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, वर्टिकल प्रोजेक्शन। ओके, आउटर सर्कल का जो है हमारा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आउटर सर्कल जो है वो आउटर सर्कल से हमको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है प्रोजेक्शन, और इनर सर्कल जो होगा हमारा, वो इनर सर्कल से हमें हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, और दोनों प्रोजेक्शन जहाँ पे इंटरसेक्ट हो गए वो हमें हमारे इलिप्स के पॉइंट्स देंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये 1 पॉइंट है, ओके, तो 1 पॉइंट और ये 1 पॉइंट, यहाँ पे हमारा कोई नहीं आएगा, ये जो है यहाँ पे नहीं आएगा। 2 पॉइंट्स है, देखो यहाँ पे तो आप देख सकते हो, यहाँ पे इलिप्स ड्रॉ करना है, तो ये 1 एंड 7, ये तो लास्ट पॉइंट हमारा मिल ही गया, P1 P7। उसी तरह से ये P4 एंड P10 यहाँ पे मिल जाएगा, तो इस तरह से हमारा ये इलिप्स आएगा। ओके, तो ये 1, 4, 7 एंड 10, यहाँ पे हमें कोई प्रोजेक्शन नहीं लेना है, बाकी के पॉइंट से वहाँ से हम प्रोजेक्शन लेंगे। अभी क्या करेंगे, 2 पॉइंट से क्या करेंगे, ये आउटर सर्कल जो है वो आउटर सर्कल से वर्टिकल प्रोजेक्शन लेंगे, और वर्टिकल प्रोजेक्शन कैसे लेंगे, जो हमारा वर्टिकल लाइन डायमीटर जो है उसका एग्जैक्ट पैरेलल आना चाहिए। ओके, तो ये 2 पॉइंट से प्रोजेक्शन लेंगे हम। क्लियर, अप्रोक्सीमेट लेना है, आपको पता होना चाहिए यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन आएगा और यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, और ये लाइट रखना है, उसी तरह से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। क्लियर, तो ये रहा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा पॉइंट आएगा P2, ये हमारा पॉइंट हो गया P1। क्लियर, उसी तरह से आगे हम जाएंगे, ये 3 नंबर का पॉइंट है, 3 नंबर के पॉइंट पे भी हम क्या करेंगे, अभी ये वर्टिकल प्रोजेक्शन आएगा, और ये इनर सर्कल जो है वो इनर सर्कल में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो इनर सर्कल पे हम प्रोजेक्शन एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए, तभी इलिप्स बराबर आएगा। ओके, ये हमारा पॉइंट हो गया P3 3 पॉइंट, और ये P3 पॉइंट, और ये हमारा P4 पॉइंट हो ही, आपको बोला था मैंने, ये P1 P4, ये P7 पॉइंट है हमारा, और ये P10 डैश है ना, तो ये 10 पॉइंट है। अभी यहाँ पे 5 नंबर पे सेम वैसे ही आउटर सर्कल जो है वहाँ से हम वर्टिकल प्रोजेक्शन लेंगे। क्लियर, ओके, एरिनर सर्कल जो होगा वहाँ से हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लेंगे।
ओके, तो ये हमारा पी 5 पॉइंट हो गए। अब पी 6 पॉइंट पे भी उसी तरह से, बस यही एक याद रखना है पॉइंट कि आउटर सर्कल जो होगा वो आउटर सर्कल से हमको वर्टिकल, आउटर सर्कल का जो भी पॉइंट होगा वहाँ से हमको वर्टिकल प्रोजेक्शन लेना है, और इनर सर्कल का जो भी पॉइंट होगा, इनर सर्कल पे पॉइंट होगा वहाँ से हमको ओरिजेंटल प्रोजेक्शन लेना है। ओके, पी 6, ये पी 7 हो गया। अभी पी 8 पे आउटर सर्कल है, वहाँ से वर्टिकल ऊपर की ओर जाएगा यहाँ पे, और इनर सर्कल से हमें ओरिजेंटल, ये हो गया पी 8। ओके, फिर पी 9। ओके, मेथड तो अभी आपको पता चल गया होगा कैसे करना है। पैरेलल लाइन अच्छे से लेना है, नहीं तो फिर एरर आ जाएगा। पी 9, ये पी 10 हो गया। उसके बाद ये 11 पॉइंट, पी 11, और लास्ट का ये 12 नंबर का पॉइंट। ओके, पी 12 मिल गया सभी पॉइंट हमको। पी 1, पी 2, पी 3, पी 4, पी 5, पी 6, पी 7, पी 8, 9, 10, 11, 12। अभी क्या करेंगे, अभी ये सभी पॉइंट में से हम स्मूथ कर्व ड्रॉ करेंगे। ओके, इसमें से पॉइंट में से पास होता हुआ एक कर्व ड्रॉ करेंगे जो हमें हमारा इलिप्स देगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूस लाइन ड्रॉ करनी है हमको। ओके, पहले एकदम लाइट ड्रॉ करो आगे का पॉइंट देखते हुए। उसके बाद इसको डार्क करना है। आप फ्रेंच कर्व का भी यूज कर सकते हो कर्व ड्रॉ करने के लिए। पी 7 से पी 8, पी 9, पी 10, पी 11, पी 12। ओके, तो ये हमारा इलिप्स कंप्लीट हो गया। ओके, तो अभी ये जो इलिप्स दिख रहा है उसको हमें क्या करना है, डार्क करना है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डार्क करेंगे। आपको पेंसिल से ही डार्क करना है, आपको पेन का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसको पेंसिल से ही डार्क करना है। ओके, ये इलिप्स हमारा कंप्लीट हो गया, इलिप्स बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। क्लियर, यहाँ पे हमको डायमेंशन देना होगा मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस का। ओके, ये ए बी हमारा जो है वो मेजर एक्सिस है, आप कहीं पे भी डायमेंशन दे सकते हो, या तो ये सर्कल जो है उसका आप यूज करके भी डायमेंशन दे सकते हो। ये हमारा मेजर एक्सिस है, तो ये कितना है 5 120। ओके, और यहाँ पे हम माइनर एक्सिस का डायमेंशन दे देते हैं 5, सर्कल के अंदर का ही आएगा सिर्फ। ओके, इतना ही डिस्टेंस आएगा, ये है हमारा
580, ओके, इतना डिस्टेंस, क्लियर। तो ये हमारा है इलिप्स बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। दोनों सर्कल ड्रॉ करना है, 12 पार्ट्स करना है, 12 पार्ट्स होने के बाद नंबरिंग दे दो, 1 to 12 नंबर देने के बाद जो आउटर सर्कल होगा वहाँ से हमको वर्टिकल प्रोजेक्शन लेना है, और इनर सर्कल होगा वहाँ से ओरिजेंटल प्रोजेक्शन लेंगे हम, ओके। सिर्फ ये जो एंड वाले पॉइंट है, मतलब ये 1, 7, 4 and 10, वहाँ पे हमको डायरेक्ट पॉइंट मिल जाएंगे, बाकी सभी पॉइंट पे हमको प्रोजेक्शन लेने हैं। प्रोजेक्शन मिल जाए उसके बाद स्मूथ कर्व ड्रॉ करो तो हमारा इलिप्स कंप्लीट हो जाएगा, जिसका मेजर एक्सिस जो है 120 mm है एंड माइनर एक्सिस 80 mm है, ओके। तो ये है इलिप्स बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, ओके। थैंक यू।